जानो वा पानी दे दो वा कहां मर गए सारे के सारे भरे हो रहे कहीं वा रुक जानो वा रबीजा अम्मी वा कानों में लीड लगा रखे कहीं वा मेरा तो बुरा हाल हो रहा बैठे बैठे पानी दे दो वा ऐसे तो मेरा दम घुट जाएगा। अरे कहां छुपा बैठा है जो पानी पानी चिल्ला रहा है? तेरे हाथ पैर बंधे हैं, खुद नहीं ले सकता पानी, पूरा घर सर पे उठा रखा है। यहाँ मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। किस कमरे में बैठा है? ओबे, ये दम्मी की आवाज है। मगर रुक सा ना कहा भाई, नबीजा तालीम नहीं है साल। अम्मी से कैसे कहूँ? अम्मी, अम्मी मैं वहाँ पे बैठा हूँ जहाँ पे कोई बोलता नहीं है। हैं? इधर देखती हूँ, यहाँ तो नहीं बैठा, यहाँ पे भी नहीं है, फिर कहाँ है? दिखाई भी नहीं दे रहा कहीं। चिल्लाता भी तो इतनी दूर दूर से है कि कुछ भी सुनाई नहीं देता, पूरे घर में आवाज गूंज रही है। अरे कहाँ बैठा है तू? तेरी आवाज पूरे घर में गूंज रही है, बता क्यों नहीं देता कहाँ बैठा है तू? अम्मी मैं यहाँ बैठा हूँ यहाँ। अरे कमबख्त धीरे बोल, जो तू पानी पानी चिल्ला रहा है तुझे ये बताने में मौत आ रही है कि मैं यहाँ बैठा हूँ? मैं यहाँ बैठा हूँ बखाने में। अभी देती हूँ पानी, इस लूंडे ने भी खून पी रखा है मेरा। अरे दे रही हूँ कमबख्त मारे, मुझे सांस भी नहीं आ रही। ले दरवाजा खोल, ले ले डाल दे मिल। अरे गंदा पानी मेरे ऊपर डालेगा क्या? डाल दे। पानी भी नहीं लेके बैठ सकता। यार अब आया सवर से, साबुन कहाँ है? हाथ धोने थे मुझे तो। साबुन नहीं मिली तो ठीक है, ऐसी कर तो काम ठीक है। उत्ते पखाने के हाथ क्या तेरी अम्मा धोएगी? पखाने से आगे सीधा खाट पे बैठ गया, खाट भी गंदी कर दी। मैं तो तुझसे तंग आ गई हूँ, चल साबुन से हाथ धो के आ। एक बात सुनिए अम्मी, चलो तुम्हारी बात मान ली, साबुन से हाथ धोने चाहिए, लेकिन पिछवाड़ा भी कोई साबुन से धोता जो गंदी होगी खाट? तूने मुझे तंग करके रख दिया है, तुझे वो साबुन ना दिखाई दी? आँख फाड़ कर देख। आए हाय, मुझे क्या आँख फाड़ कर देख रहा है? वहाँ बाथरूम में जा कर देख। देख रहा हूँ देख रहा हूँ, चिल्ला रही है चिल्ला रही है। कहाँ रखी है साबुन? साबुन कहाँ रखी है? ओवे, यहाँ रखी है। अम्मी से कहवा रही है मुझे, अम्मी की डांट पड़वा दी साली, यहाँ रखी है। साबुन से धोता हूँ। अम्मी को देना पड़ा पानी, हैं? इधर उधर पड़ी रहे। ऐसी हवा सी। मैं रुक जा ना। हाँ शेख जी। मैं कहाँ गई थी तू? मैं तो लैटरिन पूछा था, आवाज लगा रहा था, कहाँ गई थी? शेख जी मैं तो अंदर थी, बेसन लेके जा रही हूँ। बेसन? बेसन क्या करेगी? पकोड़े बनाऊंगी, बेसन के पकोड़े। पकोड़े रोज स्वाद उड़ाते रहे हो, पकोड़े। भाई बेसन भी ठीक है, ये नकली है? हाँ थाली पड़े पड़े तुम्हें कुछ और काम तो है नहीं, असली और नकली की बहुत पता है तुम्हें। भाई इसमें असली नकली है, थाली पड़ेगा क्या तू? क्या है भाई? बेसन असली है नकली? दिखा दिखा
दिखा रुक दिखा। लो देखो। ओबे, ओबे क्या कर रही है? मैं बदतमीज, मैं इसे, ओबे मेरी आँख में भर गई सारी। मैं देख लिया, मैं देख लिया, और मत दिखा। क्या कर रहा तू? देखो दूल्हे भाई हो गए, दूल्हे भाई की जगह मेरे होते हुए मेरी बहन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बता रही हूँ मैं। अरे छोड़ दे, मार के छोड़ेगा क्या हुआ? अरे छोड़ दे, जान से मार रहा है क्या? अरे रुक जा, क्यों मार रहे हैं? मारो हमें, देखे ये क्या भूत बना फिर रहा है तू? मैं तो इस लौंडे से तंग आ गई हूँ। कितना मारा मेरे बच्चे को, चलो दवाई लगा दू तुम्हारा। मैं तो टांग टूट गई, बहुत तेज लग गई टांग में। रुखसाना दे गुस्सा छोड़ तू अब तो मान जा, रुखसाना दे गुस्सा छोड़ तू अब तो मान जा। मैं रुकने वाली नहीं सेख जी पूरी जान जा, हाय रुकने वाली नहीं सेख जी पूरी जान जा। छोड़ के जाइए तू, मैं चली अपने घर मेरे इब पाछे मत ना आइए तू, मैं भूखा मर जा तेरे बिना ना मने छोड़ के जाइए तू। मेरी अम्मी काम करे क्यों घटा के शान जा, मैं रुकने वाली नहीं सेख जी पूरी जान जा, हाय रुकने वाली नहीं सेख जी पूरी जान जा। भर के कान जा, मैं रुकने वाली नहीं सेख जी पूरी जान जा, हाय रुकने वाली नहीं सेख जी पूरी जान जा। मेरा बैग ना छीनो सेख जी, अपना रहूं तेरे गेला रे, हाथ जोड़ो तू थूक दिए जो मन में तेरे कलिए प्राण जा। मैं कौन जाने आली सिख जी पक्की जान जा, हाय कौन जाने आली सिख जी पक्की जान जा। ओबे मार गई नुकसान। एक खाऊं या दो खाऊं, तीन खाऊं या चारों खा जाऊं? एक खाऊं या दो खाऊं? ओ भाई ये क्या कर रहा? बेटा से एक चिल्ली, इसके दौरे चलता हूँ या चारों खा जाऊं?
से एक चिल्ली भूख का जुगाड़ तो होने वाला सारा बिल्कुल तो मोह रखी है। करा ये खाऊं दो खाऊं तीन खाऊं चारों के खाऊं इस हवाले को सबक सिखाता हूँ और अपने पेट भरने का इंतजाम करता हूँ। ये सही रहेगा। एक खाऊं ये दो खाऊं पागल मार रहा मुल्ला जी को। मुल्ला जी पागल ना रोटी खांदे आराम से रहे। मुल्ला जी डूब जाऊंगा मुझे निकालो। हाँ तुझे बचा लू ताकि तू गंगा जी मुझे डाल के और साला मुझसे बदला ले सके रोटी खा ले। मुल्ला जी मेरी बात का यकीन करो मैं तुमसे बदला नहीं लेने का। तुम चाहे सारी रोटी खा लो मुझे निकालो। मुल्ला जी चल ठीक है चलो मुल्ला जी करता हूँ। मुल्ला जी मुझे बचा लो। ले तू रस्सी का ठोक पकड़ ले चल ये ले इसका ठोक पकड़ ले चल मजे ले मजे ले। मुल्ला जी मुझे बचा लो। वे आराम से नहाता रहे। बचा लो मुल्ला जी। अच्छा एक बात बतला तू यहाँ कर क्या रहा भाई। अरे मुल्ला जी बचपन में मैंने कहानी सुनी थी कि दरिया किनारे बैठकर रोटी गिनने से परी आ जाती हैं और बहुत सारा माल देती हैं माला माल कर देती हैं आदमी को। बदतमीज साले खोपड़ी में जूत बता दूं साले की। साले गलत सुनिए कहानी। दरिया किनारे नहीं आती हो। हमारी नानी कहती थी कि कुएं में बैठ के ये कहने से कि एक को खाऊं दो को खाऊं तीन को खाऊं चारों खा जाऊं तब परी आती है साले। अरे मुल्ला जी मुझे निकाल दो अब। अरे मुल्ला जी जल्दी निकाल दो मुझे अब। रुक जा एक रस्सी का ठोक पकड़ रखा था ना। हाँ रुक जा। लाता हूँ ले दूसरा ठोक भी तू पकड़ ले जा जान पे खेल जा। हाँ साला परियों की कहानी सुना रिया है और इनकी सुना रिया कहानी साल। हाँ साले को मरने से वो कहा रोटी खाली से एक चिल्ली ताकत पड़ा खेत वाले ने डाला होगा यहाँ। अब थोड़ा सा आराम करता हूँ जब चलूंगा बाद में। पेट भर गया अब आ गया मजा। बेटे की जान बात सुन बहन ऐसा करो इसके चोट लगी होगी इसे डॉक्टर के ले जाओ बच्चे को ले जाओ। मेरी परवाह छोड़ दो तुम आप भी चलिए ना। हाँ बेटा चल खड़ा हो मेरा बच्चा। या अल्लाह मेरी अम्मी कैसे करेगी और मेरी रुखसाना तड़प तड़प के मर जाएगी और मेरी नफीसा साली किसे दूला भाई कहेगी। या ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। Thank you.
कहाँ जा रही हूँ मैं इतने ऊंचे बादलों में आ गया मैं तो बेटा शेख चिल्ली या तो बादल भी आ गए। कितना अच्छा नजारा है। ओबे मैं तो बहुत ऊपर आ गया ओबे नीचे बहुत गहरा। बेटा शेख चिल्ली तू तो मर गया बेटा शेख चिल्ली तू तो मर गया तू तो मर गया। एक्चुअली तो सही में मर गया है। अब मेरी अम्मी कह जाएगी मेरी अम्मी तो तड़प तड़प के मर जाएगी मेरी है। और रुखसाना रुखसाना मुझे ढूंढती फिरेगी कहाँ गई शेख जी कहाँ गई शेख जी। और वो नफीसा साली और उन कहेगी दूल्हा भाई कहाँ गए मेरे दूल्हा भाई कहाँ गए। रुको बालक कहाँ जा रहे हो? देख नहीं रहा मैं मर कर जन्नत में जा रहा हूँ जन्नत में। परंतु तुम अकेले क्यों जा रहे हो? प्राण तो हम निकालते हैं। तुम्हारा क्या नाम है बालक? मेरा नाम शेख चिल्ली है और हमारी रूह तो फरिश्ते निकालते हैं। हिंदू हो या मुसलमान प्रभु के लिए हैं सब एक समान। कहीं फरिश्ते जाते हैं कहीं हम जाते हैं। यमुंडा यमराज जी क्या काम है क्यों रोका मुझे? मैं वैसे भी परेशान हूँ न जाने अकेले कहाँ जा रहा हूँ। बालक परेशान मत हो तुम हमारे साथ चलोगे। हाँ यमराज जी सही कह रहे हो मेरा परिवार भी पूरा खुश हो जाएगा पूरा खुश हो जाएगा। रुखसाना भी खुश हो जाएगी अम्मी भी। और यमराज जी मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? हमें पृथ्वी पर जाकर किसी औरत के प्राण हरने हैं और उसमें तुम हमारी मदद करोगे यमुंडा। कौन है औरत कौन है? वो हम तुम्हें पृथ्वी पर जाकर ही बताएंगे चलो हमारे साथ। यमराज जी तुम थोड़ा ठहरो मैं जरा मूड साफ कर रहा हूँ इस रूम में मुंह धोकाऊंगा बढ़िया करके। नहीं बालक तुम कहीं नहीं जाओगे पहले उस औरत को ढूंढने में तुम हमारी मदद करोगे यमुंडा। ठीक है यमुंडा जी। ओए 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 मेरा पड़ोसी स्वागत भाई इधर आओ इधर स्वागत भाई बस स्वागत भाई फोन में लग रहा। ओए मेरी अम्मी कैसी है रुखसाना कैसी है और वो मेरी साली गांव में सब ठीक है स्वागत भाई अब इसका फोन छीनूंगा स्वागत भाई मैं फोन में लग रहा हमारी सुन नहीं रहा। यमुंडा बालक हमें कोई देख नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता जब तक हम ना चाहें चलो हमारे साथ उस औरत को ढूंढने में हमारी मदद करो। यमराज जी जब हमें कोई देख नहीं सकता हमें सुन नहीं सकता तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? अच्छा है? ये बात है ये बात है। लो अब हमें सब देख सकते हैं। मैं कैसे यकीन कर लूँ यमराज जी है? देखता हूँ भाई साहब चाय है चाय खत्म हो गई खत्म हो गई। ठीक निकल भाई निकल जा चाय खत्म हो गई। अब हम सब देख सकते हैं बेटे की जान है। बालक आज हम तुम्हें उसका नाम बताते हैं क्योंकि 10:11 ठीक 12 सेकंड पर हमें उसके प्राण हरने हैं यमुंडा। अरे ये वहां क्या कर रहा है यमुंडा? यमुंडा बालक ये त्रिकोण के आकार वाली वस्तु क्या चीज है? ये यमराज जी समोसे होते हैं समोसे। यमुंडा ये समोसा क्या होता है? समोसा होता खाने का खाना खाते हो खाओगे? हाँ हाँ खाओ खाओ दीदी भाई दो हाँ खाओ 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 खूब खाओ खाओ चटनी डालो चटनी डालो ये चटनी से खाया जाता चटनी से।
ये चटनी क्या होता है? खाने की होती है, होता है यमुंडा। हाँ खाओ खाओ यमुंडा खाओ। ये तो बहुत गर्म है बालक। हाँ गर्म होता है, खाओ खाओ खाओ। इसे मुझे पकड़ा लाओ, खाओ 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 खाओ। ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है बालक। और लो लो और दियो दियो और दियो ले 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 खाओ खाओ। खा जाओ खा जाओ खा जाओ खा जाओ खा जाओ बालक। हाँ हमारे मुंह में बहुत पीड़ा हो रही है। पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है। ओवे मुझे लगा इसका मुंह जल रहा, कैसे यमुंडा पीड़ा हो रही है, बहुत जलन हो रही है। जलन मिटा दूं? हाँ जलन मिटाऊं। यहाँ रखो भाई, भाई ना रसगुल्ले दिया, रसगुल्ले रसगुल्ले। अभी रुको रुको रुको, पीड़ा खत्म करता हूँ। ये खाओ ये लो यमुंडा। हाँ बालक, ये गोल गोल आकार वाली कौन सी वस्तु है? आकार वाली नहीं होती अमराजी, ये है रसगुल्ला, यानी कि गुलाब जामुन। गुलाब जामुन यमुंडा, गुलाब जामुन। खा के देखो, खा के देखो। खाओ 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 खाओ। आई राहत सी? अब राहत मिली। खाओ खाओ, इसे भी खा लो, खा लो, खा लो, सारे चारों खा लो, चारों खा लो। अबे बेटा मौज कर दे। यमुंडा क्या कहा गुंडा? ओ भैया तू अपना काम कर, अपना काम कर, गुंडा उंडा कुछ ना। हाँ यमराज जी, उस औरत का क्या नाम है जिसके प्राण हड़ने उजा रहे थे? उसका नाम जमीला बी है। मेरी अम्मी का नाम ले रिया। ओबे यार, इसे ऐसे करते हैं, दूसरी जगह ले जाता हूँ और अम्मी का एड्रेस ही ना बताऊँ और अम्मी के थोड़े ले ही ना जाऊँ। इसे ना जाएगा ना अम्मी का प्राण हड़ेगा। ठीक है जी। ओ भाई साहब, अपनी मीटिंग कहीं और जाया कर लो, मेरे समोसे रसगुल्ले का पैसे दे दो। मैं देंगे तेरे पैसे भी, ले मार खा लेते पहले। यमुंडा। हाँ बालक, ये पैसे क्या होते हैं? मैं पैसे होते हैं, लेना देना पड़े यहाँ। पैसे क्या होते हैं? लेना देना पड़े। हाँ वो क्या होता है बालक? वो पैसा होता, वो मुद्रा, मुद्रा। मुद्रा वो करेंसी, करेंसी करेंसी करेंसी। ठीक है बालक। हमरा जी ये लो ये लो ये लो। यमुंडा भाग जाओ। यमुंडा, हम उस मामूली से मनुष्य बचकर क्यों भाग रहे थे? इसीलिए भाग रहे थे कि उसके समोसे और गुलाब जामुन सटके पैसे दिए नहीं, डर के भाग रहे थे। यमुंडा, यम है हम है यम, क्या हम उस मामूली से मनुष्य बचकर भागेंगे? मेरा मतलब शेख चिल्ली, अब हमें जमीला बी को ढूंढने निकलना है। तो जमीला बी का एड्रेस तो तुम्हें मालूम होगा। यमुंडा, हमने सुना है के वो कहीं शैतान चौक पर रहती है। यमुंडा ओवे, इधर तो हमारे मोहल्ले का भी पता, ऐसा ना हो ताले अम्मी भी चली जा, अभी अम्मी का टाइम आ जा। इसे ऐसे करता हूँ, इसे दूसरों के घर पहुँचा देता हूँ। यम है हम है यम, बालक तुझे किस बात का लग गया गम? मैं ये कह रहा हूँ, रात होने में टाइम है कम, जमीला बी को ढूंढते चल के हम। यमुंडा चलो। यमुंडा, जमीला बी तो हमें यहाँ भी नहीं मिली बालक, पर हमारे पेट में भूख का भोचाल आया हुआ है, हमारे लिए खाने का प्रबंध करो। ठीक है चलो मेरे साथ, समुद्र ले चलता हूँ मैं। यमराज जी, अगर मैं आपको अच्छी जगह खाना खिला दूँ तो ये अपना हुलिया चेंज कर लो। यमुंडा, ये चेंज क्या होता है? होता है जैसे पृथ्वी पे लोग रहते हैं ना, ऐसे कपड़े पहन लो। वो हमें कहाँ मिलेंगे बालक? हम दिलाएंगे चलो। देखना ये शेख जी क्या कर रहे हैं। अरे शेखो बेटा, आओ जल्दी आओ, भाग के चलो, भाग के। घसीट रहे हो कपड़े नहीं मिलेंगे। आराम से चलो बच्चा, आराम से। यमुंडा, हमें ऐसे क्यों दौड़ा रहे हो? जल्दी यमुंडा, जल्दी जल्दी जल्दी। यमुंडा आराम से चलो, यमुंडा
कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही। रुखसाना बिल्कुल बेवकूफी है, हर वक्त अम्मी को जानबूझ के मौत की मुंह बता रही है। कुछ अच्छा मैं टाइम पर आ गया, मैंने अम्मी को बचा लिया, वरना अम्मी को तो मौत की मुंह फसाई देती। हम है यम, यम है हम, यमुंडा बच्चे तुझे किस बात का लग गया गम? मैं सोच रहा हूँ कभी भूख के साथ आंधी तूफान भोचाल भी आ जाए, इसलिए पहले दुकान में घुस लो। दुकान? ये दुकान क्या होता है? होती है होती है होती है, ऐसे यू 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 छोटी सी छोटी सी। जल्दी आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दादाजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, कहिए। मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? ना जी ना, बोलो क्या बात है। दादाजी बस एक काम है हमारा, हमें कोई चीज बेचनी है। लाओ। ये लो भाई साहब, ये पीतल की दुकान नहीं है, समझ गए? इसे कहीं जाके पीतल दुकान में बेच के आओ। लाला जी, लाला जी पीतल की नहीं है, पीतल की नहीं है, ये असली बिल्कुल असली सोने का बना हुआ है। अरे यार भाई, ये नौटंकी की कंपनी नहीं है, यहाँ जाओ यार, जाओ जाओ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, आपको जो सोने का हार बनवाना है। यमुंडा, इनकी सुनो, यमुंडा की। अरे क्या सुनो इनकी? यमुंडा, ये पीतल का भी नहीं है, चांदी का भी नहीं है, ये असली सोने का है, सोने का, भारी है खूब। एक मिनट, राम भरोसे तने दियो तो सही। ये ऐसे क्या कर रहा है? ठीक से पकड़ो इसे। राम भरोसे, तो ओरिजिनल माल लगता है। अरे ये इन जोगरों के हाथ कहां से लग गई? यमुंडा, ये क्या कर रहे हैं? ये चेक कर रहे हैं, चेक चेक चेक। ये चेक क्या होता है? ऐसा करो, इनको 5,000 रुपए दे के छुट्टी करो। ये चेक ये होता है, ये देख रहे हैं, बेकार है, अच्छा है, खोटा है, खरा। यमुंडा, हाँ जी, इन्हें 5,000 रुपए दे के क्या 5,000 रुपए दे के? और हराम का है, हराम का, 5,000 रुपए दे के, असली सोने का, असली सोने का, समझा? मेरा मतलब मुल्ला जी, मेरा मतलब ये है, मैं अभी आपको 5,00,000 रुपए दे देता हूँ। 5,00,000? और 5,00,000 रुपए हर हफ्ते आके लेके जाते रहे। 5,00,000 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ ठीक है ठीक है, 5,00,000 रुपए दो। यमुंडा, राम भरोसे जरा लेके तो आना। ओ अरे भाई राम भरोसे, जल्दी ले आओ, पूछ लूं मैं पहले। यमुंडा जल्दी जल्दी, 5,00,000 का बिका, 5,00,000 का जा रख दे। 5,00,000? हाँ। ये 5,00,000 क्या होता है? पैसे, ये होता है पैसे, पैसे पैसे होते हैं पैसे। यमुंडा, ये पैसा क्या होता है? पैसा होते हैं करेंसी, 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 दौलत, 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 दौलत। ले जाओ, ले जाओ। ठीक है, ठीक है लाला जी, आपका बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो, चलो, चलो। यमुंडा, हाँ, हम बाथरूम जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तुम यहाँ खड़े हो जाओ और बैग को रख लो यहीं। यमुंडा, जल्दी आना। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। बालक, वो मनुष्य हमारा बैग लेकर भागा। उबे, यमुंडा, उबे, उबे, मेरा नाड़ा भी नहीं बन रहा। ओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, यमुंडा पकड़ पकड़, यमुंडा पकड़, नाश हो गया था, पकड़ यमुंडा। मेरे बगैर तो कोई पानी को भी नहीं पूछेगा, इन गायों को मुझे करना पड़ता है सब कुछ। शेख जी तो पता नहीं कहाँ रहते हैं। क्या चोर? अच्छा इधर ही आ रहा है, मैं देखती हूँ। ये ले, राम जा, खड़ा हो। खड़ा हो, खुशी हो रहा है? भले आदमी का बैग उठा का भाग रहा है, तुझे शर्म नहीं आई? कमाने खाने लायक नहीं है तू, इतना जवान हो रहा है। ऐसे ऐसे आदमियों ने हमारे देश का नाम गंदा कर रखा है। यमुंडा बेटी, वो मनुष्य हमारा बैग लेकर भाग रहा था। महाराज वो तो भाग गया, लेकिन आपका बैग रह गया। ये लो महाराज, मैंने पकड़ लिया था उसे। सदा सुहागन रहो बेटी, तुमने साबित कर दिया महारानी लक्ष्मीबाई की तरह, अभी भी हमारी पृथ्वी पर ऐसी निडर महिलाएं बाकी हैं।
सदा सुहागन रहो बेटी, तुम्हारा आंगन हमेशा बच्चों से आबाद रहे। ठीक है महाराज, मैं चलती हूँ। ओ भाई, इसने तो रुखसाना को सदा सुहागन का आशीर्वाद दे दिया, इसका मतलब मेरी उम्र लंबी होगी। फंस गए यमराज जी, अब बढ़िया फंस गए। अब ऐसा करता हूँ, अम्मी की भी लंबी उम्र का आशीर्वाद दिलवा देता हूँ इससे। ये सही है। बालक शेख चिल्ली, कहाँ हो तुम? यहाँ है हम यमुंडा। यमुंडा, यम है हम है यम, हमारे पास समय है कम। ओहो, आ गए हम जनाब, और अपने हाथों का वजन करो कम, ये बैग लेंगे हम। यमुंडा, हाँ। हमें बहुत जोर की भूख लगी है, हमारे लिए खाने का प्रबंध करो। खाने का यानी कि रोटी? हाँ रोटी खिलाऊं? रोटी 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 क्या होता है? चपाती 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 चपाती, ये चपाती क्या होता है? फुलका फुलका फुलका, वही खाएंगे, खिलाओ। ठीक है आओ, अपना ताज सही करो यमुंडा, आ जाओ। यमुंडा यमुंडा। हाँ जी। रुको बालक, हम अभी आते हैं। ठीक, आ जाओ जाओ। यमुंडा यमुंडा यमुंडा, पूरा होलिया बदल दिया, इंसान से हो गए तुम। यमुंडा बालक, देखो हमने पृथ्वी के हिसाब से अपने वस्त्र भी बदल लिए और पैसे भी हैं। अब हमें बहुत जोर की भूख लगी है, हमारे लिए खाने का प्रबंध करो। प्रबंध? तुम ऐसा करो, लो इसे और पहले इसे। यमुंडा, हाँ ये अब आ जाओ। चलो बालक। यमुंडा, ओवे हो गया तेरा भूखा जुगाड़, आ निकला, आ जा। यमुंडा, एक बात सुन यमुंडा, तू यहाँ खड़ा हो जा और मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। यमुंडा, हे यमुंडा, आराम से खड़ा रहे। यमुंडा यमुंडा कर रहा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। खाना बन गया? टाइम लगेगा थोड़ा सा। टाइम लगेगा? हाँ जी। क्यों, क्या बात हो गई? अभी तंदूर तैयार नहीं है। तंदूर तैयार करना पड़ेगा? अभी तो एक घंटा लगेगा। अभी तंदूर ठंडा ही है? हाँ जी। बिल्कुल इस टाइम भी ठंडा पड़ा, बिल्कुल मुझे रोटी खवानी थी उसे। अरे सब खिला देंगे, थोड़ा तसल्ली करो, तनी लेट जाओ। लेट जाओ? हाँ। तो लेटना पड़ेगा यहाँ। अरे खाट यहाँ पर लेटने के लिए तो है। यमुंडा इतनी देर कहाँ लगा दी बालक? लगा दी बालक, बहुत जल्दी हो रही, लगा दी बालक। एक बात सुन ले, यहाँ खाने में भी पूरे 3 घंटे लगने हैं। 3 घंटे? हाँ। बालक हम 3 घंटे कैसे रुकेंगे, हमारे पेट में बहुत भूख लगी है। यमुंडा, हाय भूख लगे कुछ भी हो, 3 घंटे बाद मिलेगा, इधर तू लौट जा। ओके। यमुंडा, बालक हमें कुछ चुभने का आभास हो रहा है। यमुंडा, अरे ये क्या हो रहा है? जा घाट में खटमल, यहाँ को खटमल वटमल नहीं है, आप जाइए यहाँ से। छाप ना यू। यमुंडा रुखसाना दे गुस्सा छोड़ तू अब तो मान जा, रुखसाना दे गुस्सा छोड़ तू अब तो मान जा, मैं रुकने वाली नहीं सेख जी पूरी जान जा, रुकने वाली नहीं सेख जी पूरी जान जा। मैं चाली अपने घरा, मेरे इब पाछे मत ना आइए तू, मैं भूखा मर जा तेरे बिना, ना मने छोड़ के जाइए तू। मैं